चंदौसी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने जब से प्रत्याशी घोषित किया है तब से लगातार विरोध जारी है। चार मंडलों सहित सैकड़ों पदाधिकारी अब तक इस्तीफे दे चुके हैं। जगह जगह गुलाबो देवी का विरोध किया जा रहा है। पुतले फूंकने से लेकर पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध कर रहे हैं। विरोध इतना जबरदस्त है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि लोगों ने गुलाबो देवी के सर्वे को नकार दिया था, उसके बावजूद भी गुलाबो देवी को प्रत्याशी बना दिया गया। इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इसी क्रम में गाँव वासियों ने गुलाबो देवी का पुतला फूंक कर विरोध जताया तथा गाँव में नारे लगाकर एवं पुतला फूंक कर विरोध जताया। उनका नारा था, विधानसभा के प्रत्याशी परिवर्तन, यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो नोटा को करेंगे वोट। आज यहाँ पर पुतला जलाया गया है, किस कारण से पुतला जलाया गया और किसका जलाया गया है? गुलाब देवी का। तो मतलब क्यों, क्या वजह रही जो कि गुलाब देवी के खिलाफ है आप सभी लोग? कोई काम ही करके ना दिखाया उसने, तो बात ही ना खरी रही है। तो आपके गाँव में 5 साल में बिल्कुल काम नहीं हुआ है ना? पैसा मारे वो करो काम, पैसा ले ले, कोई काम ना करो, झूठ बोल बोल के बाद कर करके बाद कोई काम ना करो यहाँ। और का सही बात है, आस दे दे रही बाने कोई काम ना करो, आगे पैसा दे दे उनको करो, हम लोगों की तो पैसा लेके करो, पैसा लेके करो, हम लोगों की तो सुनी ना बाने, हमें ना चाहिए वो यहाँ। तो आपके गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है 5 साल के अंदर? तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो जो चाहते हैं हमारा काम करे भाई, पब्लिक किसान को सड़क है, नल है, लाइट है, जो काम हमें चाहिए परिवर्तन, इधर देख के बोलो परिवर्तन चाहिए। हाँ हमें तो वही चाहिए भैया। गुलाब देवी का जो टिकट हुआ है उसको लेकर क्या कहना है आपका? भाई यहाँ से गुलाबी देवी ने ना तो 2 रुपए का काम किया है, हमारे गांव से नहीं, आप कोई गांव में जाकर सर्वे करिए, हर जगह से आपको यही जवाब मिलेगा। इन्होंने जो है अपनी जेब गर्म की है और दुनिया भरी की संपत्ति इन्होंने खरीद डाली चंदौसी में, और इन्होंने परिवार बाद भी किया है, अपनी लड़कियों दोनों को बीजेपी में घुसेड़ा है। तो हमें ये कैंडिडेट नहीं चाहिए, अगर ये कैंडिडेट रहेगा तो हम जो नोटा का बटन दबाएंगे और जो है हम इनके बिल्कुल भी, हमें ये परिवर्तन चाहिए इस कैंडिडेट में। अगर मान लो और कोई भी जो चेहरा आता है, चाहे वो नया हो, हम उसके लिए समर्थन करेंगे।